हाय, मेरा नाम मंसूर है। मैं बॉम्बे से हूँ और मैं आज यहाँ पर आपसे अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने आया हूँ। 163 से 90 का सफ़र। तो ऐसा स्कूल में मैं बहुत एक्टिव था। स्कूल में मैं गेम्स खेलता था, स्कूल की तरफ से खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, बट उतना फिट नहीं था। वो खेलता था आई थिंक क्योंकि मैं सब बच्चों में सबसे बड़ा था। जैसे एज बढ़ते गया, बाकियों का फिटनेस बढ़ते गया, मेरा कम होते गया। मतलब काफ़ी बुली हुआ हूँ मैं स्कूल में। सब मजाक उड़ाते थे, रास्ते पर मजाक बनना, चलते चलते लोग हंसते रहेंगे, ये सब फेस करता था। दैट आईज दैट लुक एट यू, जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं रास्ते पर, वो भी काफ़ी मायने रखता है। मैं एक्चुअली बचपन से बहुत बड़ा ईटर था। आई लव्ड स्वीट। वो ऑरेंज कलर का लड्डू बहुत खाता था मैं। चीज़ बहुत पसंद था मुझे। सो माई मदर, शी वॉज अ वेरी वेरी गुड कुक, बट वो जब जब बनाते थे वो दिन कन्फर्म ओवर ईटिंग होता था हम लोग का। सिर्फ खाने से नहीं, लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन, सोना कब होता है, उठना कब होता है, इस वजह से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है आपका वेट गेन। चौबीस साल की उम्र में मेरा वेट सबसे ज़्यादा रहा होगा। जो जिम मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम 2015 में, तो वहाँ पर मैक्स वेट लिमिट 150 तक का उनके पास स्केल था। फर्स्ट डे पे मैं जब गया था तो मुझे बोला था उस स्केल पे खड़े होने, और उधर सिर्फ एरर मैसेज आया। और उसको वेट करने फिर मैं गया था रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर कॉइन डाल के टिकट, वो टिकट पे मैंने मेरा वेट देखा था, 164, 163 पॉइंट समथिंग। तो जब मैं एट द पीक ऑफ माई एज, मतलब 23-24 साल की उम्र में, यू नो, सब 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 यही सोचते कि किसी का साथ होना चाहिए, यू नो, कोई कोई साथ में होना चाहिए, किसी से अपन जो बात करे या अपना शेयर करे। मेरे पास कोई था नहीं। इतना हैवी बॉडी लेकर, इतना बड़ा बॉडी लेकर, मेरे को कभी किसी का ऐसा खास अटेंशन मिला नहीं था। जब भी आपका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है या भारी हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप गिर जाता है। माय जीन साइज वाज अ टेप 60। शर्ट तो मैंने 5XL और 6XL भी खरीदे हैं, और जीन्स मैंने 56, 58, 60 के माप के भी बनाए हैं, सिलाए हैं खुद के लिए। नाउ आई एम एक्चुअली फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री, एंड मैं पर्सनली किचन हैंडल करता हूँ। काफ़ी देर तक किचन में खड़ा रहता हूँ। सो लाइक इन 2014 पैर में काफ़ी दर्द था, एंड अ लॉट ऑफ वॉल्व्स आर ब्लॉक्ड। उस वजह से पैर में पेन, डिसकलरेशन, पैर का काला होना, नसें ब्लॉक होना, एंड जिस तरीके से वो तकलीफ बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर एक ऐसा दिन आया जब वो पेन बैर नहीं हो सका। इस वैन मैं डॉक्टर के पास गया और मुझे मालूम पड़ा कि यू नो, आई हैव गॉट सीवियर वेरिको वेन्स। ही सेड आई एम वेरी ओवर वेट। मैं अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने ये पूछा कि मतलब किस लिए रुके, पैर मतलब खोने के बाद स्टार्ट करेंगे। जब घर गया तो मेरे घर वाले एकदम सब टेंशन में थे कि यू नो, इतना सीरियस है ये बात। हमको लगता था कि इतना कुछ भी नहीं है पैर का। मैं मेरे दोस्तों के साथ एक रात को बाहर था, और हम लोग सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, और मतलब हंसी मजाक करने का उन लोग सिर्फ मुझे ही एक पॉइंट बनाए थे, यू नो, चाहे मेरे वेट के बारे में, मेरे बॉडी के बारे में। एंड पहले जब मैं मोटा था तो मैन बूब्स थे, उस बारे में। मतलब जैसे वजन बढ़ता गया वो मैन बूब्स भी बढ़ता गया, और वजन कम होता गया तो वो और ढीला होते गया। काफ़ी चीज़ के बारे में बहुत मजाक उड़ा है। वो दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं रात को घर पर गया और अगले दिन मैं डैडी को बोला कि जी मतलब हम जाते हैं जिम देखने, कौन सा जिम है जरा देख के आते हैं। मैं पहली बार जिम गया, मेरे डैड के साथ गया जिम देखने के लिए। वही शाम को जो दिन मैंने जिम में पैर रखा, वो दिन मैं मेरे सर को मिला। आई थिंक 5-7 ईयर्स आई एम अंडर द गाइडेंस ऑफ जस्ट वन मैन, मीमो। हिज नेम इज लाइक मीमो युवराज।
फर्स्ट डे मुझे सबको देख के ऐसा लगा कि सब फिट रहते, कोई भी जिम जाएगा सब लोग सब कर सकते। पहले दिन बेंच पर लेटा, वो डंबल लिया, वो डंबल मुंह पे गिर गया, 1 किलो का डंबल था। इनिशियली कार्डियो में करता था और ट्रेनिंग भी करता था, पहले मैं दोनों करता था एक ही दिन पे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि रिजल्ट्स कम है, तो इंडिविजुअल करने लगा। और उसके बाद आई थिंक कार्डियो तो मैं 1-1.5 घंटे 90 मिनट्स तक इजीली करता था, ट्रेनिंग में कम करता था 75 मिनट्स तक। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सर के ऊपर था, वो कभी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कराता था, कभी वेट ट्रेनिंग कराता था, कभी आउटसाइड कार्डियो कराता था, लाइक मतलब रास्ते पे भागो, गार्डन में भागो। बट एक ऐसा पॉइंट आया था, जैसे आई थिंक फर्स्ट 6 महीने में 20 किलो वजन कम किया रहेगा, 25 किलो। और फिर जब वो एक स्पॉट पे आया, आई रिमेंबर 138, वो एक नंबर था। एक बार यू नो 138 पर आके काफ़ी टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वो रुक ही गया था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मेरे फैट कन्वर्ट हो रहे हैं, मेरा बॉडी का इंचेस लॉस हो रहा है, फैट मसल में कन्वर्ट हो रहा है, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। नॉट नेसेसरी वेट कम हो रहा था, बट ऑब्वियसली फैट यूज़ हो रहा था कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मैं तभी भी ग्रो हो रहा ही था, जो मुझे रियलाइज नहीं हुआ। वेट लॉस करने में मुझे 12 से 15 महीना लगा रहेगा, मैक्सिमम 12 महीना। वेट लॉस इज रियली इजी, अगर आपको सही न्यूट्रिशन मिल गया, अगर आपको सही माइंडसेट रहेगा, आपका सही ट्रेनिंग पैटर्न मिल गया, आपका वेट लॉस पॉसिबल है। योर लूज स्किन इज गोइंग टू बी वन थिंग दैट इज गोइंग टू बी विथ यू आपके वेट लॉस के बाद। आप कितना भी वजन कम करेंगे वो नहीं जाएगा, जो स्किन बढ़ गया है, लूज हो गया है, वो रहेगा ही। ब्रेकफास्ट करूँगा वेरी मॉडरेट, शायद एग्स या मिल्क ले लूँगा, या एग्स और कॉफ़ी पी लूँगा। उसके बाद वापस एक राउंड ऑफ लंच हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं 10 बजे उठता हूँ तो मेरा सेकंड मील लंच पे ही आता है, वो मैं चिकन और वेजीज ले लूँगा। मैं शाम को फिर एक बार अंडे खा लेता हूँ, मैं रात को जिम जाने से पहले एक बार चिकन और राइस खा लेता हूँ, ताकि जिम में मेरे पास एनर्जी रहे, क्योंकि मैं रात को 1 बजे ट्रेन करता हूँ, तो मैं उसके पहले चिकन और राइस खा लेता हूँ। ट्रेनिंग के बाद एक बार चिकन खाता हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट पीता हूँ। कितने लोगों को तो भरोसा भी नहीं होता, मतलब लोग मानते ही नहीं है। जब मैं काउंटर पे, रेस्टोरेंट में काउंटर पे बैठा रहूँगा और लोग आके पूछते हैं, कुछ साल पहले एक लड़का था बहुत मोटा था, मैं बोलता हूँ मैं ही हूँ, बोलते अरे नहीं आपका भाई रहेगा। लोग तो मानते ही नहीं कि मतलब मैं वो हूँ। नंबर्स पर ध्यान मत दीजिए, वो आईने में देखिए ना आप कैसे दिखते हैं। हाउ यू वॉन्ट टू लुक, दैट मिरर इज़ योर आंसर। बेसिक डाइट, बेसिक फूड, लो कैलोरी इनटेक, हाई GI फूड, बस यही रखेंगे अपने आप रिजल्ट्स है। 4 महीने का 6 महीना लग जाएगा, बट आपका परमानेंट रिजल्ट्स रहेगा।